बुजदिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, बुजदिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, समझ बैठे हैं उनको, समझ बैठे हैं उनको, तारीख 72 की बता क्यों। चार मिसरों से अपना शहरी सफ़र शुरू करता हूँ। बहुत बेदार हैं आप, माशाल्लाह आमादा हैं, किसी चीज़ की कुछ कहने सुनने की ज़रूरत है ही नहीं। खुदा का शुक्र है, बिल्कुल कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर ख़ास मलादा फरमाए के चूमे मलके न कैसे, चूमे मलके न कैसे कफे पा रसूल का, चूमे मलक ना कैसे कफे पा रसूल का, चूमे मलक क्या कह रहे हैं, ना कैसे कफे पा रसूल का। सिर्फ गोपालपुर नहीं, दिल्ली नहीं, लखनऊ नहीं, बनारस नहीं, अरशे बरी पे होता है चर्चा रसूल, अरशे बरी पे होता है चर्चा रसूल का। चूमे मलक न कैसे कफे पा रसूल का, अरशे बरी पे होता है चर्चा रसूल का। दुनिया तवाफ करती है काबे, काबे का रात दिन, दुनिया दुनिया तवाफ करी काबे करात दिनी, लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल, तवाफ करता है काबा रसूल का, लेकिन तवाफ करता है काबा। या नबी आपके शियों पर इल्ज़ाम है ये रसूल को नहीं मानते, ये फर्श बिछा के या तो अली अली करते हैं या हुसैन हुसैन। मैं उन्हें आज इस अशना अशरी मस्जिद में दावत दे रहा हूं, ज़रा आएं और आके शियों को मुलाहिजा करें। हम उनमें से नहीं जो सिर्फ नाना से मोहब्बत करें, हम तो उनमें से हैं जितनी मोहब्बत नाना से उतने ही नवासों से। बतौर ख़ास मुलादा फरमाएं, पूरी तवज्जो। या नबी आपके बिन है मेरा जीना कैसा, नहीं जो जो तहद नजर, देखिए मैं पढ़ नहीं सकता, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ। 5 महीना हुआ इस वाक्य को, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको अशार सुना सकूँ। आप अगर सुन लेंगे, थोड़ा सा मुझे हौसला दे देंगे, तो शायद मैं आपकी खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँगा। मुझे आपकी मोहब्बतें दरकार हैं, बतौर ख़ास लज़ा फरमाएं।
या नबी आपके बिन है मेरा जीना कैसा। पर लगता ही नहीं गम का सफीना कैसा। पर लगता ही नहीं गम का सफीना कैसा। सिर्फ इतनी सी तमन्ना है तेरे मीसम की, सिर्फ इतनी सी तमन्ना है तेरे मीसम की। काश मैं देख लूं है तेरा मदीना, काश मैं देख लूं है तेरा मदीना। जो नबी से करीब होता है। मिसरा समझ आ गया? माइक छोड़ रहा हूं, समझ आ गया? जो बाहर खड़े होकर रोड पे टहल टहल के सुन रहे हैं उनको सुनाने भी संत गोपालपुरी नहीं आया। 15 सालों के बाद, 15 वर्षों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, कुछ सुनाना चाहता हूँ, वक्त नहीं मिलता, बहुत मसरूफ जिंदगी है। पेशे से सोलिसिटर हूँ, हाई कोर्ट इलाहाबाद में 2002 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि वह फिंगर बढ़ती जाती है और उसी में प्रोग्राम भी है और आना भी है और जाना भी है और दूसरे लोगों के भी प्रोग्राम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ गैरों के दरमियान में। थोड़ी सी मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए। जो नबी के करीब होता है, मुझे नहीं पता बनारस के लोग दूसरे मिसरे का कैसे खैर मकदम करेंगे। जो नबी से करीब होता है आदमी खुश नसीब, जो नबी से करीब होता है आदमी खुश नसीब होता है। जिसका आका हो खुद अमीर अरबी, अमा जिसका आका हो खुद अमीर अरब, वो भला कब गरीब। गरीब होता, वो भला कब गरीब होता है। सर 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 कुफ्र का टकरा के जहां चूर हुआ है। कैसे सुनेंगे मुझे नहीं पता। जो हजरत बाहर तशरीफ रखते हैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश, आप जिस रसूल की और जिस सादिक़े आले मोहम्मद की के जश्न में आप आए हैं, मैं उनको उनकी कसम आपको दे रहा हूँ, उनका वास्ता दे रहा हूँ, अपनी जगह छोड़िए और इमामबाड़े के अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, बहुत सारी जगह है। अब मुझे देखना है कि कितने सादिक़े आले मोहम्मद के चाहने वाले लोग हैं। जगह है, आप सलावत पढ़ते हुए आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, मुझे अच्छा लगने लगेगा। आप अंदर आइए, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सर 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 या अली, सर
सर कुफर का टकरा के जहां चूर हुआ है। तमाम मातमदारों को मिसम गोपालपुरी सलाम करता है, तमाम मजादारों को। आप मोहताज तारुफ नहीं हैं, पूरी दुनिया में आपकी कला, आपका प्रेजेंटेशन जांचा जाता है, परखा जाता है। और बनारस को कौन नहीं जानता है, सिर्फ पान तक ही महदूद नहीं है मामला। भैया आपकी आजादारी, आपकी शायरी, आपकी समातें सर चढ़ कर बोलती हैं। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लोग मोमिनीन देख रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता आप दूसरे मिसरे में कैसे, आप दूसरे मिसरे का कैसे खैर मकदम करेंगे, मैं हाजिर करता हूँ। सर 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 कुफर का, कुफर का टकरा के जहां चूर हुआ है। संभालिएगा दूसरा मिसरा। सर कुफर का टकरा के जहां चूर हुआ है, तामीरे पयंबर की वो दीवार अली है। सर कुफर का टकरा के जहां चूर हुआ है, तामीरे पयंबर की वो दीवार अली है। तो अब अपने सफीने को किस बात का खतरा, अब अपने सफीने को किस बात का खतरा, इस पार मोहम्मद है तो उस पार। इस पर मोहम्मद है तो उस पार अली है, इस पर मोहम्मद है तो उस पार अली। हम पर इल्जाम है, हम अली अली करते, बिल्कुल नहीं करते। इस पार मोहम्मद है तो उस पार अली है, अमा दूसरा नाम, पहला नाम अली, अब दूसरे की बात हो रही। दूसरा नाम, पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम अली, ध्यान रखिएगा। अब बात अभी फिलहाल दूसरे को, दूसरा नाम अली, अली अली साना न उभरते देखा। ऋषि ऋषि सुनो, सिर्फ अपने मत सुनाया करो, ऋषि ऋषि मुनि की भी सुन लो। दूसरा नाम हमारे अली अली करते क्यों है, दूसरा नाम अली अली साना न उभरते देखा। पहले मिसरे की दाद नहीं आई है, चंद लोगों के मुंह में गुटका है। अगर वो ये नहीं चाहते कि मैं उनको उठा के बाहर भेजूं थूकने के लिए, तो वो साइड करके दाद दे देंगे। दूसरा नाम अली 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 साना न न उभरते देखा। सिर्फ दाल मंडी नहीं, गोपालपुर नहीं, दोसीपुरा नहीं, मदनपुरा नहीं, सारी दुनिया को इसी नाम पे मरते। बोलो ना यार, बोलो ना। सारी दुनिया को इसी नाम पे, इसी नाम पे मरते देखा। अली तू ही वो, अली तू ही वो, तू ही वो साजिद है के एक दिन हमने, एक दिन
हमने सजदा सूरज को तेरे पांव पे करते। नारा हैदरी। अच्छा कुछ हाथ भी नहीं उठे। अच्छा वही अपने हाथ नहीं उठाएगा जिसका हाथ उसके पास नहीं बल्कि पड़ोसी की जेब में होगा। नारा हैदरी। برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ با آواز بلند صلوا علی محمد و آل محمد۔ الزام لگاتے ہیں صاحب یہ شیعہ لوگ صرف علی علی حسین حسین یہ رسول کو مانتے نہیں، ان کی نعت نہیں کہتے، ان پڑھتے نہیں۔ یہ باتیں میں مائک سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، کثیر تعداد میں روڈ پہ لوگ میسم گوپال پوری کو سن رہے ہیں، کثیر تعداد میں۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت برادران اور دوسرے مذہب سے جو لوگ ہمیں مشاعروں میں بلاتے ہیں غزلیات کے، سب باہر کھڑے ہیں۔ سینکڑوں فون میرے پاس آ چکے ہیں پرسوں سے، جب سے اشتہار فیس بک وغیرہ پہ آیا ہے۔ اب سنیے، میں یہاں سے چار مصرے پیش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، آئیں نا، دور نہ کھڑے رہیں، قریب آئیں۔ یہ گھر کسی شیعہ کا گھر نہیں ہے، میسم گوپال پوری کا گھر نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، مسجد ہے نا۔ آئیں آ کے دیکھیں، شیعہ نے حیدر کرار صرف علی علی کرتے ہیں یا نبی نبی بھی کرتے ہیں؟ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ۔ چار مصرے پڑھتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں ان طاقتوں کو جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا بھڑا کے ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کا مخالف کھڑا کر رہے ہیں اور اپنی گوٹی سیک رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو مصرے ان سب کی خدمت میں، اور پھر دو مصرے پہ آپ سے بھرپور داد چاہیے۔ ہیں ہے 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 شکوے گیلے، ہیں شکوے گیلے جو بھی مٹا کیوں نہیں دیتے۔ آئے ہائے آئے ہائے، تھوڑی سی مجھے محبتیں چاہیے آپ کی، تھوڑی سی آپ کی محبتیں چاہیے۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے ایسا ہے، یہ ٹوپی کسی اور کی نہیں ہے جو بار نہ سنبھالے، یہ میری خود کی ٹوپی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی مرضی سے اتارا ہے، دستار گرنی نہیں چاہیے۔ اب میں دیکھیے، پسینہ چھوٹنے لگا، آپ نے مجھے آمادہ کر دیا سنانے کے لیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں موڈ میں آ گیا ہوں، اور ویسے بھی جو ہے اسلام ٹوپی میں نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا تمدن ہے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی پھر اس کو اپنی جگہ پہ پہنچا دوں گا، میں یہ تھوڑا پڑھ لوں، میں بالکل میں آمادہ ہو گیا ہوں۔ ہیں 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 شکوے گیلے جو بھی مٹا کیوں نہیں دیتے، یشیا کہہ رہا ہے، اور شیعہ قوم کے لیڈر نے کیا کہا ہے سن لیجئے، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کو آپ فالو کرتے ہیں۔ اگر شیعہ جان ہے تو سنی ہمارا نفس ہے۔ اب مخاطب ہو جائیے، یا اگر سنی نفس ہے تو شیعہ جان ہے، یا شیعہ نفس ہے تو سنی جان ہے۔ یہ ہمارے رہبر نے ہمیں درس دیا ہے، ہم نہیں مانتے کہ وہ غیر ہے، میں تو انہیں اپنا بھائی مانتا ہوں۔ اب سنیے پوری توجہ۔ ہیں شکوے گیلے جو بھی مٹا کیوں نہیں دیتے، داد آئے گی تبھی دوسرا مصرع پڑھوں گا۔ ہیں شکوے گیلے جو بھی مٹا کیوں نہیں دیتے، ہیں شکوے گیلے جو بھی مٹا کیوں نہیں دیتے،
है शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों, अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते, है शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते, अमा बुझ दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, बुझ दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, समझ बैठे हैं उनको, समझ बैठे हैं उनको, तारीख 72 की बता क्यों, क्यों नहीं देते, तारीख 72 की बता क्यों नहीं देते, तारीख 72 की। अब जो कथा पढ़ने जा रहा हूं इस सिलसिले का आखिरी कथा होगा, मगर मैं बताऊंगा नहीं कि किसके लिए पढ़ रहा हूं, नहीं बताऊंगा। आपको मिश्रा सुन के दाद दे के मीसम गोपालपुरी को यह बताना होगा कि मैं समझ गया कि आपने किसके लिए कहा है। अब देखता हूं, मैं हाजिर करता हूं बतौर अंबर भाई सुनिएगा, बतौर खास पूरी पूरी तवज्जो जहां जहां हाजरात है, मैं बताऊंगा नहीं, आपको दाद दे के मुझे यकीन दिलाना है कि हम समझ गए, ठीक है? अब मैं पढ़ता हूं। आए आए वक्त के फिरौन, वक्त के फिरौन तुम सम की भी सुन ले, आए वक्त के फिरौन तुम सम की भी सुन ले, मुझे नहीं पता, खुदा की कसम नहीं पता, खुदा की कसम नहीं पता कि दूसरे मिसरे का कैसे खैर मकदम करेंगे। आए वक्त के, आए वक्त के फिरौन तुम सम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा, के फिरौन तुम सम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। ये दो मिसरे तो उसके लिए थे जिसके लिए आप समझ गए, और ये जो वक्त का फिरौन है जिसके कहने पर, जिसके इशारे पर काम अंजाम देता है, अब आखिर के दो मिसरे उसके लिए। आए वक्त के फिरौन तुम सम की भी सुन ले, खुदा के घर में बैठे हैं, अल्लाह का वास्ता दे के कह रहा हूं, अगर बात समझ जाना तो लबों को जुम्बिश देना, पूरी तवज्जो। आए वक्त के फिरौन तुम सम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा, ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकबर, ये तय, अब मुझे देखना है चौथे मिसरे का कैसे खैर मकदम करते हैं, ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकबर, ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकबर, अमरीका तेरा खातिमा ईरान, मिलके मिलके, हैदर 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 हैदर
करेगा। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक मतलब चंद शार आपकी एक 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 मिलजुल के सलवात पढ़ दीजिए आप। माशाल्लाह मौला सलामत रखे, आपने मिलजुल के सलवात पढ़ी, मगर मैं चाहता हूँ कि एक सलवात जरा सा आप एक सुनने वाली सलवात सुना दीजिए, सुनने वाली। मैं एक मतलब चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। सदा जो नाते सदा जो नाते मोहम्मद की आए कानों में। थक गए आप बताएं, थक गए? मैं अपनी जगह ले लूंगा, बाकी अगर नहीं ऐसे नहीं पढ़ते रहेंगे, ऐसे थोड़ी नाम पढ़ते हैं हम, तो हम जिसको देख लेते हैं। देखिए सुन लीजिए आप, कहीं से भी आया हो मगर अली का तस्करा सुनने के बाद उस दौरान अगर कोई अली का चाहने वाला खामोश होगा तो ये कम से कम लोगों को गवारा हो, मुझे नहीं पता मीसम को गवारा नहीं है। अली का तस्करा सुनने के बाद लबों को जुम्बिश देना आप पर वाजिब है। आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे, आपके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, आप वाह के लिए हाथ उठाएंगे, जनाबे अब्बास के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो यार इस घर का तस्करा है, थोड़े से अपने होने का सबूत पेश कीजिए, अपने होने का मतलब पढ़ता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। सदा जो नाते मोहम्मद की आए कानों में। और श्रीलंका वाले भी बोल सकते हैं वो जो पीछे है ना, तो श्रीलंका वाले भी बोल सकते हैं, थोड़ा उधर बहुत पीछे, ये आगे के लोग तो माशाल्लाह सुन रहे हैं बड़ी मोहब्बतों से। सदा जो नाते मोहम्मद की आए कानों में, सदा जो नाते मोहम्मद की आए कान, नहीं बोलेंगे दूसरा मिसरा, सदा जो नाते मोहम्मद की आए कानों में तो जान आती है गूंगों के भी जबान। जान आती है गूंगों के भी जबानों में, तो जान आती है। सुनिए मीसम गोपालपुरी से नातेबाद का शेर। इल्जाम है हम पर, नहीं कहते नहीं पढ़ते, अमां जैसी हम पढ़ते जैसी हम कहते जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं कह सकते। सदा जो नाते मोहम्मद की आए कानों में तो जान आती है गूंगों के भी जबानों। सुनिए शेर। थे यूं तो पाओ मोहम्मद के फूल से नाजुक, थे यूं तो पाओ मोहम्मद के फूल से नाजुक, थे यूं तो पाओ मोहम्मद के फूल से नाजुक, थे यूं तो पाओ मोहम्मद के फूल से नाजुक, निशान छोड़ गए हैं मगर चट्टानों। निशान छोड़ गए हैं मगर चट्टानों में, थे यूं तो पाओ मोहम्मद के फूल से नाजुकी, निशान
वतन छोड़ गए हैं मगर चट्टानों मगर चट्टानों निशान छोड़ गए मगर चट्टानों में। सुनिए, ये हमने मौजज़ा देखा है, ये हमने मौजज़ा देखा है चांद पर जाकर, ये हमने मौजज़ा देखा है चांद पर जाकर, हैं उनके नक्श कदम अभी आसमां, हैं उनके नक्श कदम अभी आसमानों में। नक्श कदम अभी आसमां। एक शेर पढ़ दूं, मैं बनारस की समातों को सलाम कर रहा हूं, मैं बनारस की समातों को सलाम कर रहा हूं। खुदा आपको नजरे बस से बचाए, आपकी समातों को महफूज रखे। एक एक मिसरे का नहीं, एक एक जुमले का हक अदा कर रहे हैं। अब मैं शेर पढ़ता हूं, बतौर खास मुलादा फरमाए। मैं पढ़ने से नहीं डरता, आप दाद दे के सुन के बताइए कि हम ना तो सुनने से डरते हैं ना हक बात की ताइद से डरते हैं। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिए। है उनके नक्श कदम अभी आसमानों में, अरे नबी की आल से, नबी की आल से दूरी का ये नतीजा है। जियो नबी की आल से, नबी की आल से दूरी का ये नतीजा है। जो बट रहे हैं मुसलमान आज खानों, जो बट रहे हैं मुसलमान आज खानों में, अरे ऐसी दादी तुमने मौला सलामत रखे आबाद रखे, जो आगे हैं वो भी, जो पीछे हैं वो भी, जो दीवार से लगे हैं वो भी, जो बच्चे हैं वो भी, जो बूढ़े हैं वो भी, जो जवान हैं वो भी, इंसाफ वाली दादी है तुमने। मैं शेर पेश करता हूँ, बतौर खास मुलादा फरमाए। नबी की आल से दूरी का ये नतीजा है, जो बट रहे हैं मुसलमान आज खानों में। ये शेर आपके लिए। मिली जो दाद, दाद दाद बराबर से कह उठा मीसा में, मिली जो दाद दाद बराबर से कह उठा मीसा में, जो बात बूढ़ों में देखी वही जवान। बूढ़ों में देखी वही जवानों में, जो बात बूढ़ों में देखी वही जवानों में, जो बात बूढ़ों में। हम सुनो, कहते हैं कि पढ़ते ही नहीं ना, कहते ही नहीं ना। मैं विरद
मोहम्मद का करके सोता हूँ, शबे गुजरती हैं रहमत के शामिया। मिलके 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 मैं वीरद नाम मोहम्मद का करके सोता हूँ, शबे गुजरती हैं रहमत के शामियानों में। शबे, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, कोई नहीं कहेगा जिस पर ये इल्जाम लगा है, कसदन नहीं कहेगा, गुस्से में नहीं कहेगा, मगर मैं ये गुस्से को जब्त करते हुए एक सच बात की ताईद की शक्ल में ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलादा फरमाए कि जहाँ पे होता नहीं, जहाँ पे होता नहीं, अब कैद नहीं है, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी हनफी शाफई मलकी नहीं, कोई कैद नहीं, जहाँ पे होता नहीं जिक्र सरवरे आलम, जहाँ पे होता नहीं जिक्र सरवरे आलम। अब देखता हूँ कौन खामोश रहता है। जहाँ पे होता नहीं जिक्रे सरवरे आलमी, बरसती रहती है लानत उन्हीं मका। मिलके मिलके रहती है लानत उन्हीं मकानों में, बरसती रहती है लानत उन्हीं मकानों में, बरसती रहती है लानत। बरसती रहती है लानत उन्हीं मकान सलामत रखे आजादारों को, ये मातम हाथ, ये मातम के लिए हाथ उठते हैं, मौला सलामत रखे। गमे हुसैन के फतवे जहां से बिकते हैं, खुदा करे कि लगे आग उन दुकान। भटकते
फिरते हैं अब वो शराब खा। शराब खानों में भटकते फिरते हैं अब वो शराब खानों में। बहुत से लोग दाद नहीं देते, मगर जैसे आपके माथे की निगाहें शायर को देखती हैं, शायर भी हर किसी को देखता है। इस महफिल में वो किसी गैर का तसव्वुर ही नहीं कर सकता, किसी गैर का तसव्वुर ही नहीं। उसे तो ये तसव्वुर होता है कि अली का जश्न है, अहले बैत का जश्न है, तो यकीनन उनके चाहने वाले यहाँ आए हैं। जिक्र सुनने के बाद जब खामोश रहते हैं, कोई एक्टिविटी उनके अंदर नहीं होती, हद ये है कि ये भी नहीं होता, तो इससे फिर उनकी शख्सियत शायर की निगाह में वो मजरू हो जाती है। इसका ख्याल रखें। जिसने लबों को जुम्बिश नहीं दिए वो शेर दे, ज़रूर लबों को जुम्बिश देगा। मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास। ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं, पूरे मजमे में बमुश्किल तमाम दो तीन लोग। अब शेर पढ़ता हूँ। भटकते फिरते हैं अब वो शराब खानों में, भटकते फिरते हैं, सुनिए शेर, उन्हीं के वास्ते उन्हीं के वास्ते दोज़ख की आग है रोशनी, उन्हीं के वास्ते दोज़ख की आग है रोशनी, चराग बुग़्ज़ का जलता है जिन घरानों, बुग़्ज़ का जलता है जिन घरानों में, चराग बुग़्ज़ का जलता है जिन घरानों में। सिलसिले का आखिरी शेर, जहां भी फर्श अज़ाए हुसैन बिछता है, जो आप बोलते हैं हम सुनते हैं, और जो हम बोलते हैं और आप सुनते हैं। मिसरा फिर पढ़ता हूं, सुनिए, जहां पे फर्श अज़ाए हुसैन बिछता है, जहां पे फर्श अज़ाए हुसैन बिछता है, हवा बहिश्त से आती है उन मकान, से आती है उन मकानों में, हवा बहिश्त से। एक शेर आपको बहुत जल्दी से और बहुत धीरे सुना के देखना चाहता हूं कि आप चीख पुकार पे दाद दे रहे हैं या शेर सुन के। बहुत आसानी से खामोशी से संजीदगी से एक शेर पढ़ता हूं। दुआए फातिमा जहरा हैं हम खुदा की कसम, जो नहीं अपने आप को तसव्वुर करता वो दाद नहीं दे, मुझे कोई परवाह नहीं। दुआए फातिमा जहरा है हम खुदा की कसम, हमारा नाम भी शामिल है कद्रदानों में, हमारा नाम भी शामिल है कद्रदानों में, बरोज़े हश्र ये मीसम बहुत है अपने लिए, बरोज़े हश्र ये मीसम बहुत है अपने लिए, हमारा नाम भी शामिल है मदह खानों में।
आपको दो शेर सुना दिया, आप समझ रहे हैं खत्म हो गया। जिस शेर को सुनाने के लिए जल्दी से ये शेर सुनाएं, अब वो शेर सुनिए, मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे। सुनिए, मैं वहां हाजिर करता हूं। सिलसिले का आखिरी शेर, ये आखिरी शेर है, इसको मैंने रोका था क्योंकि मैं चाहता था कि आप आमादा हो जाएं। अगर इस शेर के बाद बतला पढ़ता तो आपकी दाद ना आती, इसलिए दाद पहले ले ली। मक्ता सुना दिया, अब वो शेर सुनिए पूरी तवज्जो, जहां जहां हजरात है बतौर खास मुरादा फरमाएं। जहां पे होता होता नहीं जिक्र सरवरे आलम, बरसती रहती है लाना तुन्ही मकानों में। दुआए फातिमा जहरा हैं हम खुदा की कसम, हमारा नाम भी शामिल है कद्रदानों में। बरोज़े हश्र ये मीसम बहुत है अपने लिए, हमारा नाम भी शामिल है मदह खानों में। शेर पढ़े, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, खुदा करे कि आप जल्दी से समझ जाएं। खुदा ने बांध दिया, खुदा ने बांध दिया, खुदा ने बांध दिया उनके हाथों को ज़ैनब। खुदा ने बांध दिया उनके हाथों को ज़ैनब, रसन जिन्होंने थी बांधी तुम्हारे शाह। जो बात बूढ़ों में देखी वही जवानों में।